कोई दीवान कहता है, कोई पागल समझता है कि धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसे हूँ, तुम उससे दूर कैसे हो, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। कोई दीवान कहता है, कोई पागल समझता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप सिलेक्शन वन में। कल की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कहाँ पे दोस्त? हम लोग कल के क्लास में पढ़ रहे थे सेलोलिज्म। सेलोलिज्म न्याय निगमन। क्या पढ़ रहे थे? न्याय निगमन। कल के क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सेलोलिज्म न्याय निगमन, रीजनिंग का एक वैसा पार्ट जहां से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अगर इसको तुम सही से पढ़ लिए, सही तरीका समझ लिए, सही से क्वेश्चन का डाउट तुम खत्म कर लिए, तो तुम्हारा 5 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाला। 5 नंबर तुमको आएगा ही आएगा, लेकिन इसके लिए तुमको मेहनत क्या करना होगा, सेलोलिज्म का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा, इस पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी, इसका सारा क्वेश्चन करना होगा, इस पर जितना भी पैटर्न का क्वेश्चन होगा सारा का सारा आपको बनाना होगा, तब जा करके आपको ये जो 5 नंबर भाई साहब है ना, ये कहीं नहीं जाने वाली आपसे। और इस 5 नंबर के लिए आपको मात्र 5 दिन मेहनत करना होगा। 4 दिन, तीसरा दिन का क्लास ख़त्म हो गया, चौथा या पाँचवा दिन आज है। लगभग सेलोलिज्म का 80% सिलेबस हम लोगों ने कवर कर लिया है। कुछ कसर बाकी रह गया है जो आज की क्लास या आज या कल में समाप्त कर देंगे, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा देंगे। उस पर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद 50-100 जो भी क्वेश्चन होगा इस पर आधारित हम लोग पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं तारों के शहर में, मतलब क्वेश्चन की दुनिया में। हम लोग चेला पढ़ कर आ रहे थे कल, तो हम लोग पढ़ रहे थे कल टाइप 3 पढ़े थे जी। हाँ, टाइप 3 पढ़ रहे थे ना, कि टाइप 1 टाइप 2 का मिक्सचर पढ़ रहे थे। जल्दी बताओ तो कमेंट कीजिए आप लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग टाइप 3 पढ़ रहे थे। हाँ, टाइप 3। चलिए, गाना क्या है, धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। आप लोग का जो बेचैनी है उसको सिर्फ हम ही समझ पाते हैं, या किसी भी स्टूडेंट का जो बेचैनी होता है उसे सिर्फ शिक्षक ही समझते हैं। ये बात को याद रखिएगा कि आपके अंदर किस प्रकार का मटेरियल चाहिए, किस प्रकार की मटेरियल की कमी है, किस दवा की कमी है, कहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, कैसा कॉन्सेप्ट आपको हम देंगे, कैसा ट्रिक बताएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये सारे चीज़ को टीचर ही समझता है। इसीलिए हमने गाना गाया कि धरती की स्टूडेंट की बेचैनी को सिर्फ टीचर समझता है। तो आप लोग का बेचैनी, दुख, दर्द आज के होम्योपैथी क्लास में सारा का सारा दोस्त समाप्त हो जाएगा, ठीक है। बचा कचा जो भी अचा बचा रह गया कसर, आज हम लोग मिल करके पूरा कर लेंगे। तो बढ़िए, टाइप 3 में अभी तक क्या पढ़ रहे थे टाइप 3 में? कल हम लोग ने क्या सीखा था टाइप 3 में, कि रीस्टेटमेंट। टाइप 3 का सारा क्वेश्चन क्या होगा, रीस्टेटमेंट का होगा। रीस्टेटमेंट का हमने कल सारा का सारा डिस्कशन किया था रीस्टेटमेंट पे, कि हम लोग रीस्टेटमेंट क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पूछेगा रीस्टेटमेंट, इसमें क्या हमको करना होगा, तब जाके हमारा रीस्टेटमेंट का क्वेश्चन बन पाएगा। तो रीस्टेटमेंट में हम लोग क्या करते थे, कि रीस्टेटमेंट में हमने कल पढ़ा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। यही ना हम लोग कर पढ़े थे, कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, या वो कुछ से स्टार्ट हो
ये पढ़े थे, बोलो ना जी, यही पढ़े थे। चला कुछ के साथ स्टार्ट होगा तो सही, बाकी सब गलत। बाकी सब क्या होगा? गलत। टाइप थ्री में हम लोग कल पढ़ रहे थे रीस्टेटमेंट का क्वेश्चन। रीस्टेटमेंट का यही फंडा है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर कुछ के साथ कंक्लूजन स्टार्ट होता है तो सही, बाकी सब गलत। यही पढ़ रहे थे, बोलो ना जी, यही पढ़ रहे थे ना रे लतखोर सब। टाइप थ्री और टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री का मिक्सचर पढ़ रहे थे, जल्दी बताओ। टाइप थ्री पढ़ रहे थे। अरे तू सब बोलता का नहीं जी, बोलो ना, बोलो, बोला करो। टाइप थ्री में क्या पढ़ रहे थे? तो पढ़ रहे थे री स्टेटमेंट का क्वेश्चन। री स्टेटमेंट में पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। कुछ के साथ स्टार्ट होगा तो सही, बाकी सारे के साथ गलत। मतलब सीधा सा याद करने का तरीका है, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट निगेटिव दे दे तो गलत। पॉजिटिव छोड़ के क्या होगा? निगेटिव होगा तो गलत होगा। सभी के साथ स्टार्ट होगा तो भी गलत होगा। कोई के साथ स्टार्ट होगा चला तो भी गलत होगा। मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। कुछ के साथ स्टार्ट होगा तो सभी, बाकी सब गलत। हम लोग कल यही पढ़ रहे थे, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका हम क्लियर कराते चलेंगे, ठीक है? तो कल पढ़े उसका थोड़ा सा हमने रिवीजन करा दिया ताकि आज की क्लास में आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। एक क्वेश्चन देखते हैं टाइप थ्री का। क्या देखेंगे? टाइप थ्री का कथन में दिया होता चला, सभी आम गोल हैं। सभी गोल पृथ्वी है, कुछ पृथ्वी, कुछ पृथ्वी हरी है, कुछ पृथ्वी हरी है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं टाइप थ्री। उसके बाद क्या दिया होता है? निष्कर्ष दिया रहता है। क्या दिया होता है? निष्कर्ष, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंक्लूजन, इसको स्टेटमेंट कहते हैं। निष्कर्ष नंबर एक में चला क्या दिया होता है? सभी गोल आम है। दूसरा में क्या दिया होगा? सभी कुछ आम गोल है। तीसरा क्या होगा? कुछ पृथ्वी हरी है। चौथा कंक्लूजन क्या दिया है? सभी पृथ्वी गोल है। पांचवा में क्या दिया है? कुछ गोल पृथ्वी है, कुछ गोल पृथ्वी है। छठा नंबर कंक्लूजन में दिया है कोई पृथ्वी हरी नहीं है। सातवां नंबर में दिया है सभी आम गोल नहीं, कोई आम गोल नहीं है, कोई आम गोल नहीं है। जरा मार के सरियाओ तो चेला से देखे किसका किसका आंसर सही आता है, किसका गलत। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तभी तक तो कमेंट सेक्शन में तुम लोग धुआं धुआं मचा दिया होगा रे बच्चा। कि धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है, कि मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तुम मुझसे दूर कैसे हो।
तेरी कमजोरी को हम, तेरी कमजोरी को सिर्फ हम समझते हैं। कहाँ तोरा कमजोरी है, कहाँ तुम्हारे अंदर कमजोरी है, कहाँ तुम्हारा, कहाँ पे कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर नहीं हो रहा, कहाँ पे तुम गड़बड़ी करते हो, ये सारा चीज़ हमको पता है। तब पर भी थोड़ा हम बता रहे हैं, एक एक चीज़ तुमको हम बताएंगे कि तुम्हारा गलती क्या होता है, तुम कहाँ पे मिस्टेक करते हो, तुम कहाँ पे जाके फंसते हो। डायग्राम मेथड को तो भूल जाइए, ये सारे मेथड को तो हाथ भी नहीं लगाना है, नहीं तो अब तो ये हमको नहीं लगता जो 90% बच्चा इसमें कन्फ्यूज हो गया होगा अभी। अगर जो डायग्राम मेथड से बना रहा होगा वो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होगा। चलिए देखिए, छोड़िए डायग्राम मेथड को, हम लोग पढ़ रहे थे लड़का लड़की वाला मेथड, 150 वाली मेथड, अगुआ वाली मेथड, दुनिया का अजूबा मेथड। कथन करा सभी आम गोल है, सभी गोल पृथ्वी है, कुछ पृथ्वी हरी है। निष्कर्ष में चला क्या कर रहा है, सभी गोल आम है। जब गोल का शादी आम से करवाइएगा, गोल का शादी आम से, तो देखो तो गोल आम, गोल आम क्या है, एक के लाइन में दिखाई दे रहा है तुरा। अरे गोल आम क्या है, एक के लाइन में हम लोग पढ़े थे कहानी में, हमने सुनाया था कहानी में, आप भी सुने थे कि दोनों दो गाँव का होगा, अगुआ होगा, 150 रुपया मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो मामला हो गया गड़बड़, दोनों लड़का लड़की एक गांव के, शादी नहीं होने वाला, अगुआ मिलेगा नहीं मिलेगा, शादी कैसे होगा बताओ ना जी। शादी होगा, 150 रुपया नहीं मिलेगा तो शादी नहीं होगा, जब दोनों एक के गांव के हैं। तो इसी चीज़ को स्टेटमेंट का, जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको कंक्लूजन में फिर से दोबारा लिख दे, उसी को हम लोग क्या कहते थे, रीस्टेटमेंट। मतलब कथन में दिया हुआ बात को कंक्लूजन में फिर से घुमा के या सीधा लिख दे, उसी को हम लोग कहते थे रीस्टेटमेंट, इसी को पढ़ते थे रीस्टेटमेंट। तो देखो तो आम गोल है, गोल आम है, इसी को क्या किया, उल्टा लिख दिया है, एक लाइन में इसी चीज़ को उठा के यहाँ लिख दिया है, बस थोड़ा सा घुमा दिया, उल्टा कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे, रीस्टेटमेंट। और हमने पढ़ा था पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट पॉजिटिव होगा। हमने क्या पढ़ा, पॉजिटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, कुछ के साथ स्टार्ट होगा तो सही, बाकी सारा गलत, कुछ के साथ होगा तो सही, बाकी सारा गलत। तो देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट है सारा का सारा, इसमें पॉजिटिव निगेटिव सारा क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे सारा क्लियर हो जाएगा। गोल का शादी आम से, आम गोल एक लाइन में। अब हमने कहा पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो चला देखो पॉजिटिव है लेकिन कुछ के साथ स्टार्ट नहीं है, सभी के साथ स्टार्ट है। तो हमने क्या कहा, पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट कुछ के साथ स्टार्ट होना चाहिए तो सही, बाकी गलत। तो सभी के साथ स्टार्ट है तो गलत, कुछ आम गोल है, आम का शादी गोल से, अच्छा कुछ आम गोल है, आम का शादी गोल से, इसी चीज़ को फिर यहाँ लिख दिया लेकिन कुछ के साथ लिखा है तो सही, क्योंकि री स्टेटमेंट कुछ के साथ होगा तो सही बाकी सब गलत। पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए तो पॉजिटिव है, और कुछ के साथ है तो सही, कुछ के साथ है पॉजिटिव है तो सही होगा, सभी के साथ है पॉजिटिव है लेकिन गलत होगा। क्या है कि सभी के साथ गलत, पहले क्या कीजिए आप इस चीज़ को देख लीजिए, किस चीज़ से स्टार्ट हो रहा, पॉजिटिव है कि नहीं है, पॉजिटिव है कि नहीं है, किस चीज़ से स्टार्ट हो रहा। जैसे सभी के साथ स्टार्ट होगा गलत, कुछ के साथ स्टार्ट होगा सही, कोई पृथ्वी हरी नहीं है, ये गलत, ये गलत। क्या है, कोई के साथ स्टार्ट है, और कोई के साथ स्टार्ट है, स्टार्ट के साथ साथ क्या है, निगेटिव है, स्टार्ट के साथ साथ निगेटिव है। तो हमने पहले ही बताया कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर कुछ के साथ स्टार्ट है तो सही, बाकी सब गलत। तो एक नंबर गलत, दो सही, तीन सही, चार गलत, पाँच सही, छः गलत, सात गलत, आपका ऑप्शन क्या हो गया, दो तीन और पाँच सही, बाकी सब गलत। हमेशा याद रखिएगा, हमने आपको पढ़ाया पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, कुछ के साथ सही होगा बाकी सब गलत, मतलब नेगेटिव नहीं होगा, सभी के साथ गलत होगा, कोई वाले के साथ गलत होगा। ठीक है, जल्दी से कुछ छापिए, कॉपी पेस्ट करो जल्दी से, तब तक हम पानी पीते हैं।
मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लिख लिए, आगे बढ़ें। आज हम लोग टाइप थ्री का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस ही टाइप थ्री पे करेंगे। कल जाकर के टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री का सारा मिक्सचर पढ़ लेंगे, फिर बढ़ेंगे टाइप फोर में, ठीक है। आज हम आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट टाइप थ्री का क्लियर कर देते हैं, कहाँ पे आप फंसते होंगे, कहाँ पे क्या आपके साथ गलत होता होगा, ठीक है। तब तक पेस्ट कीजिए नीचे वाला, तब तक हम ऊपर लिखते हैं। आज से टाइप थ्री चलेगी। कथन चेला दिया रहता है, कथन क्या दिया रहता है, सभी राम लड़का है। सभी लड़का गोरा है। कुछ गोरा काला। ये एग्जाम में जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट में तीन लाइन दे, चार लाइन दे, दो लाइन देगा। एग्जाम वाले के पास उतना फुर्सत नहीं है कि चार लाइन पांच लाइन का स्टेटमेंट देगा, दस लाइन का कंक्लूजन देगा, ठीक है। एग्जाम में आपको दो लाइन का स्टेटमेंट मिलेगा, बहुत करेगा तो तीन लाइन कर देगा, और तीन से चार लाइन का कंक्लूजन देगा। उससे ज़्यादा उसके पास फुर्सत नहीं है कि आपके साथ 10 गो 15 गो लाइन दे और एक क्वेश्चन में आपका समय बर्बाद करे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट दिया रहता है, उसके बाद क्या दिया होता है, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। निष्कर्ष नंबर एक, कुछ राम या कुछ लड़का राम है, कोई लड़का गोरा नहीं है। सभी गोरा काला। चार नंबर में रहेगा, कोई काला गोरा नहीं है। पांच नंबर में रहेगा चला, कुछ राम लड़का है। छह नंबर में रहेगा, सभी लड़का या सभी गोरा काला है। सभी लड़का गोरा है। सात नंबर में रहेगा, सभी काला गोरा, सभी काला गोरा। चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में धमाल मचाइए। तो ये लगता है ब्लैक इंक दे दिया है, क्योंकि ऊपर चला ब्लू, शुरू स्टार्टिंग में ब्लू लिखा रहा था और अभी हो गया ब्लैक। ये जादू की छड़ी नहीं ना जी, हाँ ये कुछ ब्लैक। अब इसके बाद देखो कहीं कहीं लाल उगने लगेगा, कहीं जादू वाला छड़ी आ गया होगा इसमें, अब कहीं लाल दिखने लगे तो कोई बात नहीं। पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए। मेरे सपनों की रानी कब आओगी तू। सभी राम लड़का है, सभी लड़का गोरा है, कुछ गोरा काला है, काला नहीं है, काला है, इसको काला कीजिए, काला नहीं होगा, काला होगा, ठीक है, मिस्टेक से लिखा गया है। निष्कर्ष में कह रहा है कुछ लड़का राम है, कोई लड़का गोरा नहीं है, सभी गोरा काला नहीं है, कोई काला गोरा नहीं है, कुछ राम लड़का है, सभी लड़का गोरा है, सभी काला गोरा है। अब क्या करेंगे, अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ाया कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट का
रीस्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। आप लोग सही से लिखिएगा, हम शॉर्टकट में लिखते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। सभी के साथ स्टार्ट होगा चेला तो गलत, कोई के साथ स्टार्ट होगा तो गलत, सिर्फ कुछ वाले के साथ सही। मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, कुछ के साथ सही बाकी सब गलत, नेगेटिव होगा तब पर भी गलत, सभी के साथ स्टार्ट होगा तब पर भी गलत, कोई के साथ स्टार्ट होगा तब पर भी गलत। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, सभी वाले के साथ गलत, कोई वाले के साथ गलत, कुछ वाले के साथ सही। अब देखिए निष्कर्ष क्या करा, कुछ लड़का राम, लड़का का शादी राम से, लड़का का शादी राम से। हम कहे थे शुरू शुरू में, क्या कहे थे कि लड़का का शादी लड़की से होगा, दोनों दो गांव के होंगे, अगुआ मिलेगा, अगुआ को चाहिए 150 तो होगा तो शादी होगा, नहीं तो नहीं होगा। शादी होगा तो क्वेश्चन सही बाकी गलत। अब देखो तो यहाँ करण सर आप ही ने तो कहा कि सर शादी होगा दोनों दो गांव का होगा, तो यहाँ शादी हो रहा है लड़का लड़की का शादी, लड़का लड़की एक के गाँव की। जैसे एक गाँव में जाओगे तो मामला फंसेगा, दोनों आपस के बगल के, मतलब लव मैरिज, अरेंज मैरिज का उपाय नहीं है, लव मैरिज। दोनों के पिताजी का बांस चलेगा, डंडा चलेगा, लाठी चलेगा, तलवार चलेगा, बंदूक चलेगा, क्योंकि दोनों आपस में दबंग होंगे। लड़का का शादी राम से, दोनों एक गांव के। इसी चीज को कंक्लूजन में फिर उल्टा करके लिख दिया, तो इसी को कहते हैं हम लोग री स्टेटमेंट, कि अगर स्टेटमेंट में दिया हुआ बात को फिर कंक्लूजन में लिख दे दोबारा, या उल्टा लिखे या सुलटा लिखे, मतलब उल्टा लिखे या सीधा लिखे, उसी चीज़ को एक लाइन में लिख दे, तो उसको हम लोग कहते हैं री स्टेटमेंट। तो री स्टेटमेंट का पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, कुछ के साथ होगा तो सही, तो कुछ के साथ है तो सही, कोई के साथ है तो गलत, सभी के साथ गलत, कोई के साथ गलत, कुछ के साथ सही, गलत गलत। हम काहे पढ़ेंगे इतना, उतना पढ़ने का ज़रूरत है? बोलिए, उतना पढ़ने का कोई ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। काहे कि जो स्टार्टिंग चीज़ दिया हुआ है उसको हम पढ़ देख लेंगे, कि कुछ वाले के साथ दिया हुआ है तो सही होना चाहिए, क्योंकि कुछ वाले के साथ निगेटिव नहीं देगा, अरे सेंटेंस भी देगा तो सही दिखना चाहिए उसको। अब कहेगा कि कुछ लड़का राम नहीं है, उससे बढ़िया नहीं कहेगा कोई लड़का राम नहीं है, कहेगा सभी गोरा काला नहीं है, उसे ठीक नहीं कह देगा ये कोई गोरा काला नहीं है। तो सेंटेंस जो देगा एलिमेंट का वो भी सही से होना चाहिए, एडजस्ट होना चाहिए, और पढ़ने में भी सुंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप सबसे पहले देख लीजिएगा किसी भी कंक्लूजन में, कि ये किस चीज़ से स्टार्ट हो रहा है, कुछ के साथ स्टार्ट हो रहा है और री स्टेटमेंट है तो सही होगा। री स्टेटमेंट में सभी के साथ स्टार्ट हो रहा, कोई के साथ स्टार्ट हो रहा, तो ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे पेन उठा के गलत कर देना है, क्योंकि री स्टेटमेंट का कहना है कि कुछ वाले के साथ सही होंगे और पॉजिटिव होगा तो सही होगा, कुछ वाले के साथ पॉजिटिव होना ही चाहिए 100%, निगेटिव का सवाल नहीं, कोई वाले के साथ निगेटिव का यूज करता है, RRB हो, NTPC हो, ग्रुप डी हो या बैंकिंग में हो। ये नहीं कहेगा जब कोई लड़का गोरा नहीं है, सभी लड़का गोरा है नहीं कहेगा, कोई लड़का गोरा नहीं है ये चीज़ कहेगा, सभी के साथ होगा तो पॉजिटिव में ही होगा, लेकिन पॉजिटिव वाले को क्या करेंगे, सभी के साथ स्टार्ट है तो गलत कर देंगे, ठीक है। तो यही है टाइप 3 का कॉन्सेप्ट, टाइप 3 का यही कॉन्सेप्ट है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, सभी के साथ स्टार्ट होगा तो गलत, कोई के साथ स्टार्ट होगा तो गलत, सिर्फ कुछ वाले के साथ स्टार्ट होगा तो सही होगा, ठीक है। जल्दी से कॉपी पेस्ट कीजिए, छापो यार जल्दी जल्दी, फिर बढ़ते हैं आगे, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, कुछ वाला के साथ स्टार्ट है तो सही, बाकी सब गलत। हम राजा जी दिन में न बोले कि रात में पढ़ाई न करे।
टाइप वन में पढ़ रहे थे कि सारा का सारा कंक्लूजन कुछ के साथ स्टार्ट हो रहा था। टाइप वन में सर हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि सारा का सारा कंक्लूजन कुछ के साथ स्टार्ट हो रहा था। टाइप टू में जब गए हमने तो सारा का सारा कंक्लूजन सभी के साथ स्टार्ट हो रहा था। टाइप थ्री में आए तो सब कुछ के साथ स्टार्ट हो रहा है लेकिन कुछ वाले के साथ सही होगा बाकी सब गलत होगा। टाइप टू में क्या पढ़े थे कि सभी वाले के साथ स्टार्ट होगा और सभी वाले के साथ अगर स्टेटमेंट का सॉरी कंक्लूजन स्टार्ट होता है तो कॉमन वैल्यू के साथ साथ सेल्फ वैल्यू भी हम लोग चेक करेंगे। यही ना पढ़े थे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर सभी के साथ कंक्लूजन स्टार्ट है तो कॉमन वैल्यू के साथ साथ सेल्फ वैल्यू चेक करेंगे तब जाके क्वेश्चन को सही करेंगे। जब दोनों वैल्यू मिलता था क्वेश्चन में तब सही करते थे। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे क्या पढ़ेंगे, टाइप थ्री पढ़ लिए, टाइप वन पढ़ लिए, टाइप टू पढ़ लिए, लगभग तसल्लीम का 80% हम लोगों ने सिलेबस को कवर कर दिया। अब बच गया नेगेटिव कंक्लूजन वाला, नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव कंक्लूजन। टाइप फोर पढ़ेंगे, टाइप अभी टाइप फोर नहीं पढ़ेंगे, टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री का मिक्सचर एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप फोर। तो एक बार हम चलते हैं टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री के मिक्सचर में दोस्त, ले चलते हैं तुम्हें क्वेश्चन की दुनिया में तीनों का मिक्सचर, तब जाके हम लोग पढ़ेंगे टाइप फोर। टाइप फोर समाप्त होगा, मिक्सचर पढ़ के काम ख़त्म कर देंगे सलीम का सारा। इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, जो भी पैटर्न से क्वेश्चन पूछता है, बैंकिंग जहाँ से भी पूछता है, रेलवे जहाँ से पूछता है, सारा का एक एक कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर करा देंगे। हर एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे ताकि कहीं भी दुनिया में, विश्व में, भारत में कहीं पर भी किसी प्रकार का एग्ज़ाम आप देने जाइएगा तो रीजनिंग का तो 25 में 25 क्वेश्चन आप बना के आइएगा, ये 100% गारंटी रहेगी आपको। रीजनिंग हम ऐसा बूंद बूंद डालेंगे भेजा में, बूंद बूंद जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, क्योंकि होम्योपैथी का दवा है। हमने पहले ही क्लास में कहा था कि ये जो रीजनिंग हम पढ़ा रहे हैं वो होम्योपैथी का दवा है। बीमारी में थोड़ा लेट से सुनेगा लेकिन जब सुनेगा तो आपका सारा का सारा दुख दर्द समाप्त कर देगा। और जब एक बार रीजनिंग पढ़ लीजिएगा दोस्त तो दुनिया में कहीं पर भी किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो, या बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो, आपको रीजनिंग में 25 में 25 नंबर आने वाला है, एक भी नंबर आपसे नहीं छूटेगा। अब उस इसने गधा लड़का होगा जो छोड़ के आएगा जगह जिसको अभी भी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप वन प्लस टाइप टू प्लस टाइप थ्री का मिक्सचर लेकर के। टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री का मिक्सचर कॉपी में लिख लीजिए, टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री का मिक्सचर, वहाँ से हटाइए उसको। हैं, हाँ, कब जाना है, ठीक है बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक, कथन दिया होगा, निष्कर्ष दिया होगा, कुछ बर्फ, अरे वर्षा काहे लिखा गया जी, कुछ बर्फ पानी, सभी पानी पहाड़ है, सभी पहाड़ लाल। निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन, कंक्लूजन नंबर एक में क्या दिया हुआ दोस्त, सभी पानी लाल है, कुछ बर्फ पहाड़ है, कंक्लूजन नंबर में दिया हुआ है तीन में सभी लाल बर्फ है या कुछ लाल बर्फ है, चार नंबर में दिया हुआ है कुछ या सभी
लाल पहाड़ है। पांच नंबर में दोस्त दिया हुआ है कुछ पानी, लाल है। छह नंबर में दिया हुआ है कुछ कोई पानी लाल नहीं है, कोई पानी लाल नहीं है। इधर लिखते हैं सात नंबर में क्या दिया हुआ है। सात नंबर में दिया हुआ है कुछ बर्फ, कुछ पानी बर्फ है, कुछ पानी बर्फ है। आठ नंबर में दिया हुआ है कोई बर्फ, पानी नहीं है। नौ नंबर में क्या दिया हुआ है, कुछ बर्फ लाल है, कुछ बर्फ लाल है, कुछ पानी लाल है, कुछ पानी लाल। चलिए तो मार बनाइए तंगा, देखें आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, टाइप वन क्लियर हुआ कि नहीं, टाइप टू क्लियर हुआ कि नहीं, टाइप थ्री क्लियर हुआ कि नहीं। ये थोड़ा मार के हिलाइए तो सरियाइए तो थोड़ा कमेंट सेक्शन को मचा दो यार, कमेंट सेक्शन में गर्दा गर्दा। और अपने दोस्तों के साथ भी थोड़ा शेयर करते रहिएगा कि फाउंडेशन बैच से चला, फ्री में पढ़ा रहे हैं, थोड़ा धीरे चलेगा, लंबा चलेगा, और आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट फ्री में हम पढ़ा देंगे, किसी से एक रुपया नहीं लेंगे। ये मेरा गारंटी रहा कि किसी से बिना एक रुपया लिए हुए सारा का सारा हम जो आपको सिलेबस लिखा है फाउंडेशन बैच का, वो आपको हम मैं पूरा करा दूंगा। छः महीना की जगह नौ महीना लगेगा, एक साल लगेगा, पंद्रह महीना लगेगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका हम क्लियर करा देंगे यूट्यूब के माध्यम से, वो भी फ्री में। थोड़ा बनाइए इसको जल्दी से, कमेंट कीजिए तो कौन सा सही कौन गलत। मेरे सपनों की रानी कब आओगी तू, मेरी रुत मस्तानी कब आओगी तू। कथन क्या कर रहा है, कुछ बर्फ पानी है, सभी पानी पहाड़ है, सभी पहाड़ लाल है। अब निष्कर्ष में आइए, सारा का सारा टाइप का निष्कर्ष इसमें दिया हुआ है, आपको चुनना है जो कौन सही कौन गलत। करा सभी पानी लाल है, पानी का शादी लाल से, पानी का शादी लाल से, पानी का शादी लाल से, तो कॉमन कौन होगा, पहाड़। हमने पहले ही क्लास में कहा था अगर कंक्लूजन या स्टेटमेंट सभी के साथ स्टार्ट होगा तो पहले वाले का वैल्यू 100, दूसरे का 50, कुछ के साथ स्टार्ट होगा तो पहले का 50, दूसरे का 50, कोई वाले के साथ स्टार्ट होगा तो पहले का 100, दूसरे का 100। ये चीज़ आपको मरते दम तक याद रखना होगा। अब कुछ के साथ स्टार्ट है तो पहले का 50, दूसरे का 50, सभी के साथ स्टार्ट है तो 100, 150, सभी के साथ स्टार्ट है तो 150, सभी के साथ स्टार्ट है तो 150। सभी पानी लाल है, पानी का शादी लाल से, पानी का शादी लाल से, पहाड़ को मिला 50, पहाड़ को मिला 100, मतलब यहाँ से मिला 150 रुपया, 150 रुपया मिला तो क्वेश्चन सही तुम करेगा, सही उत्तरा कर देगा। गलत का है कि पास सभी के साथ स्टार्ट है, जैसे सभी के साथ स्टार्ट है तो चल जाइए टाइप टू में। टाइप टू में क्या होता था कि जब सभी के साथ स्टार्ट होता तो कॉमन वैल्यू के साथ साथ हम लोग सेल्फ वैल्यू को भी चेक करते थे, तो पानी का सेल्फ वैल्यू चाहिए 100, यहाँ 50 चाहिए, तो पानी का सेल्फ वैल्यू मिला 100, मिला 100 तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा सही। जब सभी के साथ स्टार्ट होगा तो समझ जाइएगा टाइप टू, और टाइप टू में भी क्या कि कॉमन वैल्यू के साथ साथ सेल्फ वैल्यू चेक कर लेंगे। कुछ के साथ स्टार्ट है, कुछ बर्फ पहाड़ है, बर्फ का शादी पहाड़ से, बर्फ का शादी पहाड़ से, पानी कॉमन, पानी को मिला 100, 50, 150 रुपया मिला, और कुछ के साथ स्टार्ट है तो सही। कुछ लाल बर्फ है, लाल का शादी बर्फ से, लाल का शादी बर्फ से, तो डायरेक्ट पहले से तीसरे अनुमानी के लिए
दो अगुआ पहाड़ और पानी, पानी को भी 150, पहाड़ को भी 150 कुछ के साथ स्टार्ट है तो सही। सभी लाल पहाड़ है, लाल का शादी पहाड़ से, लाल का शादी पहाड़ से, लाल का शादी क्या होगा पहाड़ से। अब देखो तो लाल का शादी पहाड़ से, जब लाल का शादी पहाड़ से करवाइएगा तो दोनों एक लाइन में, दोनों एक लाइन में, लाल पहाड़ एक लाइन में, मतलब री स्टेटमेंट, और री स्टेटमेंट कुछ के साथ स्टार्ट होगा तो सही, बाकी सब गलत। तो सभी के साथ स्टार्ट है री स्टेटमेंट का, वैल्यू री स्टेटमेंट का क्या होना चाहिए, स्टेट पॉजिटिव स्टेटमेंट का, री स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव, कुछ के साथ सही तो कुछ के साथ नहीं है, सभी के साथ है तो गलत हो जाएगा। कुछ पानी लाल है, पानी का शादी लाल से, पानी का शादी लाल से, पानी का शादी लाल से तो पहाड़ कॉमन, पहाड़ को मिला 100, यहाँ से 50 कुछ के साथ स्टार्ट है तो 150 मिल गया, क्वेश्चन सही। कोई पानी लाल नहीं है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव वैल्यू नहीं होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है, यह भी निगेटिव है, यह भी गलत। कुछ पानी बर्फ है, पानी का शादी बर्फ से, पानी का शादी बर्फ से, पानी और बर्फ एक लाइन में, पानी बर्फ एक लाइन में, तो री स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को फिर दोबारा कंक्लूजन में लिख दिया तो री स्टेटमेंट कुछ के साथ स्टार्ट है तो सही, बाकी सब गलत। कुछ पानी लाल है, पानी का शादी लाल से, पानी का शादी लाल से, पहाड़ कॉमन, मिला 100, यहाँ से मिला 100, यहाँ से मिला 50, कुछ के साथ स्टार्ट है सही। मतलब टाइप वन में क्या होता था कि कंक्लूजन कुछ के साथ स्टार्ट होता था तो उसमें कॉमन वैल्यू सिर्फ चेक करते थे, पॉजिटिव होना चाहिए था, अगुआ को मिलता 150 तो सही, मिला 150 सही। टाइप टू में क्या होता था कि सभी के साथ स्टार्ट होता था तो कॉमन वैल्यू के साथ साथ सेल्फ वैल्यू भी चेक करते थे, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन पॉजिटिव ही होता था। टाइप थ्री में क्या है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, कुछ के साथ सही होगा तो बाकी सब गलत। ठीक है, तो ये था आपका टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री का मिक्सचर, ये चीज़ आपने पढ़ लिया, आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे टाइप फोर, टाइप फोर पे हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, कल के क्लास में हम लोग, कल तो नहीं, कल तो फ्राइडे, मंडे को हम लोग क्या करेंगे, टाइप फोर पढ़ेंगे, मंडे को चला हम लोग टाइप फोर पढ़ेंगे, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास चलेगी फाउंडेशन बैच की, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहेगी, तो मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप सिलेक्शन वन पे, टॉप सिलेक्शन वन पर शाम सात बजे आपकी लाइव क्लास चलती है, यहाँ से देखना ना भूले। अपने दोस्तों को भी कहिए कि टॉप सिलेक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल वाले बेल आइकन को दबा दे ताकि हर दिन का लाइव क्लास आपको नोटिफिकेशन आपका मिल जाएगा, ताकि आपकी एक क्वेश्चन नहीं छूटेगी और सारा का सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग मंडे को, तब तक आपका काम क्या रहा, आपका HW क्या रहा कि टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री पर जो भी आपने क्वेश्चन किया इसका रिवीजन करेंगे, और अगर आपके पास बुक होगा तो सारा का सारा क्वेश्चन छांट लेंगे टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री का, और वहां से आप क्वेश्चन कलेक्शन करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तब अगर पढ़ने से ज़्यादा आपको फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा किसी चीज़ का। हम तो यहाँ एक क्वेश्चन पढ़ाएंगे, दो पढ़ाएंगे, आप इस पर 10-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मन से पढ़िएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आप पढ़िए तो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग मंडे क्लास में, तभी को सभी को बाय बाय टाटा धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं मंडे को टाइप फोर के साथ। तब तक आपका HW रहा कि सारे के सारे टाइप को आप बुक में से निकाल लेंगे, जो भी आपके पास बुक होगा, नहीं बुक होगा तो आप इसका डेटा चेंज करके आप इसका एलिमेंट का नाम चेंज कर दीजिएगा, आप पानी के जगह पर राम लिख दीजिएगा, राम के जगह पर लक्ष्मण लिख दीजिएगा, जो भी होगा इस पर आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं कल क्लास में, मंडे को, बाय बाय, टाटा धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।